अरब डॉलर उस एमजीसी कॉइन का औकात भी है क्या? वो देखा भी है जो अगर इतना टीम बन गया लीडर का भाई, इतना डॉलर वो रिवार्ड देंगे? कमीशन तो गोली मारिए, कमीशन को जाए बाहर में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमजीसी कॉइन के बारे में, क्योंकि साथियों एमजीसी कॉइन काफी बड़े बड़े लीडर जो हमारे फोर्सेज के हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपया कमाए हैं, 50 लाख 40 लाख रुपया कमाए हुए वो लीडर अभी आपको नजर आते होंगे एमजीसी कॉइन का प्रचार करते हुए। साथियों अब आपको यहाँ पे डिसीजन लेना है और अपने टीमों को ये जानकारी देना है कि एमजीसी कॉइन में आपको कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। जो अमाउंट आपको दिखाया जा रहा है प्लान के तहत साथियों, वो अमाउंट से कई ज्यादा अमाउंट आप फोर्सेज में इनकम कर पाते हैं, लेकिन वो कैसे करेंगे साथियों, पहले अब एमजीसी प्लान का पूरा विवरण देख लेते हैं, उसमें किस तरह से कमीशन आते हैं, किस तरह से हमको टीम बनाना होता है और कितना अमाउंट मुझे रिसीव होता है। उसके बाद साथियों हम फोर्सेज का भी बात करेंगे। तो चलिए मैं दोनों प्लान को यहाँ बोर्ड के माध्यम से मैं कोशिश करता हूँ कि आपको क्लियर कर दूं। तो चलिए साथियों आप बने रहिएगा हमारे साथ, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस करके रख लीजिए, ताकि साथियों आपको इस तरह के वीडियो आपको बराबर मिलता रहे। तो चले साथियों शुरुआत करते हैं, हम साथियों लेके चलते हैं पहले एमजीसी कॉइन को। मैं इस बोर्ड को मैं दो भागों में बांट देता हूं साथियों, ताकि आपको समझने में स्पष्ट क्लियर हो जाए। साथियों एमजीसी कॉइन ठीक है, एक तरफ हो गया एमजीसी कॉइन और दूसरी तरफ हमारा रहेगा फोर्सेज। तो चलिए हम पहले फोर्सेज को नहीं, पहले हम एमजीसी कॉइन पे चर्चा कर लेते हैं साथियों। एमजीसी कॉइन में साथियों 9 लेवल से हमें कमीशन आता है, पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, पांचवा लेवल और छठे लेवल, सातवें, आठवां और नवे लेवल का, ठीक है। मैंने यहाँ पे 9 लेवल लिख दिया साथियों। पहले लेवल में साथियों आपको जो कमीशन मिलता है साथियों वो 50% मिलता है, दूसरे में आपको 20% मिलता है, तीसरे में साथियों आपको यहाँ पे 10% मिलता है, चौथे में आपको यहाँ पे मिलता है 5% और पांचवे में भी 5%, छठे में भी 5% छठे में आपको 4% मिलते हैं, सातवें लेवल में आपको 3% मिलते हैं और यहाँ पे आठवें लेवल में आपको 2% मिलते हैं और लास्ट में नवे लेवल पे आपको 1% मिलते हैं। और इसके बाद तो साथियों आपको कुछ नहीं मिलते हैं, ठीक है, कुछ नहीं मिलेंगे इसके बाद। लेकिन कोई बात नहीं, 9 लेवल भी कम नहीं होते हैं, इसकी प्लान को समझ लेते हैं, क्योंकि लीडर को जो है ना गुमराह साथियों इसी लेवल के वजह से किया जा रहा है। फोर्सेज के लीडर को बेवकूफ बनाने का जो काम कर रहा है ना एमजीसी कॉइन वाले, जितने भी लीडर हैं, चाहे वो राजेंद्र सर हो, विजय प्रकाश सर हो, मुझे नाम लेने में किसी से कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं किसी के बाप का कुछ खाता पीता नहीं हूं, ठीक है। तो यहां पे मैं बात करता हूं पहले लेवल पे इनका टारगेट दिया गया है कि हम सर अगर 10 लोगों को भी अपने साथ में लेके चलते हैं ना, तो बहुत बड़ा मैं अमाउंट यहां पे इनकम कर पाता हूं। लेकिन वो कैसे कर पाते हैं इनकम, जरा इस पे भी तो डिस्कस करना जरूरी है। इनकम साथियों बोल देने से इनकम नहीं होता, इनकम करने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ता है, लेकिन वो मेहनत किस तरह से होता है, तो वो मेहनत मैं यहाँ पर भी दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको वही मेहनत आपको फोर्सेज में करके दिखाऊंगा, कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाएंगे सारी चीजें। तो चलिए मैं पहले बात करता हूँ साथियों, यहाँ पे मैं अगर 10 लोगों को ज्वाइनिंग करवाता हूँ, मैंने 10 लोगों को ज्वाइनिंग करवाया और इनसे मुझे कितने अमाउंट रिसीव होंगे, 50% मुझे रिसीव होंगे, 50% उनको। अगर हम यहाँ पे ज्वाइनिंग अमाउंट देखा जा सकूं, इनमें ज्यादा ज्वाइनिंग अमाउंट नहीं है, यहाँ पे छोटे छोटे अमाउंट है। पहला अमाउंट है साथियों $50, उसके बाद है $100, उसके बाद है $200 और इसके बाद है $500 और लास्ट है इसका $1000 लास्ट है। तो यहाँ पे हर एक लीडर जो प्रचार कर रहा है साथियों, वो तकरीबन $150 से प्रचार कर रहा है। अब $150 से प्रचार कर रहा है तो कोई बात नहीं, मैं $150 को ही लेके चलूंगा और $150 का कैलकुलेशन मैं एमजीसी कॉइन के अंदर और $150 का कैलकुलेशन मैं फोर्सेज के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए मैं $150 को मैं लेके चलता हूँ साथियों, ओके। तो पहले लेवल में साथियों मुझे यहाँ पे जो 10 लोगों को मैंने ज्वाइनिंग करवाया, तो साथियों
$150 का 50% जो होता है साथियों वो होता है $75। $75 अब आपको यहाँ पे मिलता है एक बंदे से, तो $10 से तो वास्तविक है साथियों कि आपको $750 का यहाँ पे अमाउंट आपको मिल जाते हैं। कितना मिल गया? $750 आपको यहाँ पे मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे $750 मिल गया। इसी प्रकार साथियों अब हम ये 10 लोगों को 10-10 का फॉर्मूला पढ़ा दिए भाई, 10-10 लोगों का मैंने फॉर्मूला तो पढ़ा दिए। पढ़ाना बिल्कुल आसान है लेकिन करना थोड़ा मुश्किल है। कोई बात नहीं, कर भी ले, बहुत अच्छी वाली बात है साथियों, कर लीजिए, भगवान करे आपकी तरक्की हो। लेकिन अगर आपने 10-10 लोगों का फॉर्मूला को भी कंप्लीट कर लेते हैं तो भैया अगले नेक्स्ट लेवल में आपका कितने का टीम हो जाता है? 100 लोगों का। 100 नए लोग आते हैं तो 100 नए लोगों से आपको मिलेंगे 20%, यानी कि 150 का 20% आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे एक बंदे से आपको मिलेंगे $30, तो यहाँ पे 100 बंदे हैं तो 100 × 30 कर दीजिए, 100 × 30 कर देना है यहाँ पे, तो कितने हो जाएंगे? चलिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, यहाँ पे हो जाएंगे आपको $3,000। सॉरी यहाँ पे डॉलर का मुझे सिंबल देना था, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे चले डॉलर मैंने दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको $3,000 आ जाते हैं, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट लेवल बात कर लेते हैं साथियों, अब इनको भी हम 10-10 अगर करवाते हैं तो साथियों नेक्स्ट लेवल पे मेरा हो जाएंगे कितना, 1,000 लोगों का टीम, 1,000 लोगों का टीम होगा। और 1,000 लोगों से मुझे यहाँ पे प्रत्येक लोगों से मुझे मिलेगा कितना कमीशन, तो यहाँ पे 10%, 10% कितना हो जाता है तो $15 हो जाएंगे, डेढ़ सौ से ज्वाइनिंग करवा रहे, $15 मुझे एक बंदे से मिलेंगे। तो 1,000 लोग हैं तो इससे मुझे कितना हो जाएंगे, तो भैया $15,000 डायरेक्ट हो जाएंगे, $15,000 इनकम आपका होगा, ठीक है, $15,000 आपका इनकम होगा। चलिए नेक्स्ट लेवल बात कर लेते हैं, चौथे लेवल की मैं बात कर लेता हूं अपने टीम के, चौथे लेवल में, चौथे लेवल में कितना मिलने वाले हैं, 5% मिलने वाले हैं। अब 1,000 लोग अगर 10-10 को ले आता है तो यहां पे आपका टीम हो जाता है 10,000, 10,000 लोगों से आपको मिलेंगे 5%, यानी कि एक बंदे से 5%, एक 5% कितना हो जाते हैं तो $750 होते हैं, तो $750, यानी कि $750 से हमें इसे मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है, तो आपका यहाँ पे एक जी, चलिए यहाँ पे हम दे देते हैं 75 और 30 हो जाएंगे, ठीक है, 30, यानी कि $75,000 यहाँ पे आपका कमीशन बन जाता है। बहुत बड़ी अमाउंट दिख रहा है साथियों, मैं इसको बाद में करूंगा तो पता लगेगा बहुत छोटा अमाउंट है। तो चलिए यहाँ पे अब 10,000 लोग फिर से 10-10 लोगों को लाएगा तो भैया 1,00,000 लोग हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, 1,00,000 लोग हो जाएंगे। और 1,00,000 लोगों से मुझे फिर मिलेगा 5%, यानी कि $750 करके, तो इसको फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए भैया, $750,000 होंगे, ठीक है, $750,000 होंगे आपको इस लेवल पे, पांचवें लेवल पे बनते हैं। और यही लीडर को पढ़ाया जा रहा है भाई, और आप भी पढ़ रहे हो, इसको ध्यान से सुनना, कैलकुलेशन फोर्सेस का भी बाकी है। चलिए मैं यहाँ पे लेके चलता हूं अब छठे लेवल पे 4% कमीशन मिलने वाला है। और यहाँ पे 1,00,000 लोगों को अगर 10-10 लोग लेके आता तो भैया कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पे पता चलेगा आपको 10,00,000 लोगों का टीम हो जाएगा, 10,00,000 लोगों का टीम हो जाएगा। और यहां से मुझे कितना अमाउंट आएंगे, 4%, एक बंदे से $6 मिलेंगे, तो भैया 6 से गुना कर देते हैं, अमाउंट आपका कितना रिसीव होने वाला है, तो 6 लिख दिए और इसके ऊपर कितना 0 हो गए, 5, 6 0 हो गए भाई, 6 0 हो गए, ठीक है, यानी कि $6,00,000 होते हैं, $6,00,000 हो जाते हैं आपको छठे लेवल पे। इसके बाद साथियों अगर हम इसी तरह से ये 10,00,000 लोगों को फिर 10-10 लोग लेके आते हैं तो यहां पे होते हैं 1,00,000, और 1,00,000 लोगों से यहां पे आपको मिलने वाला है 3%, यानी कि प्रत्येक लोगों से मुझे मिलेंगे
4.5 यानी कि $4.5 के तकरीबन मुझे यह मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे $4.5 कर देता हूँ और इसको अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 45 और इसके ऊपर कितने जीरो हैं, 6 है तो 5 जीरो दे देते हैं। तो यहाँ पे हम 6 जीरो दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 भाई, 3 2 6 1 7 तो 1 2 3 4 5 6 7 इतना डॉलर होंगे। यानी कि अगर इसको देखा जाए, इकाई दुहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख करोड़ 6 करोड़ 50 लाख डॉलर होते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो मैं बारीकी से पहले पूरा कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो अब लास्ट में यहाँ पे देखिए, तो 8वें लेवल की अगर बात करें तो यहाँ पे हो जाएंगे मेरा 10 करोड़, ठीक है। 10 करोड़ लोगों का टीम होगा और इनकम की बात किया जाए 2% और 150 का 2% होता है आपका $3। इसको $3 से गुना कर दीजिएगा, चलिए हम 3 लिख देते हैं, इसके ऊपर जीरो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो है भाई, तो 8 जीरो हम दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर डॉलर का सिंबल दे दीजिए और ऐसे कर दीजिए भैया, $30 करोड़ होते हैं। कितना होते हैं? $30 करोड़ होते हैं। अब लास्ट लेवल की हम बात कर लेते हैं साथियों, यहाँ पे फिर 1 दे देते हैं, इसके बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो भैया 9 जीरो दे देते हैं डायरेक्ट। अब गिनती आप कर लीजिएगा कितना होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 5 4 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भाई मुझे कैलकुलेशन करने में भी थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन होगा जल्दी नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं। और यहां से मुझे 1% मिलेंगे, मतलब $150 का 1% हो जाते हैं $1.5। तो यहां पे हम $1.5 लिख देते हैं, ठीक है। इसको गुना कर लीजिएगा तो हम यहां पे पहले 15 लिख देता हूं और इसके ऊपर जितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है तो 1 जीरो को हटा देते हैं, 8 जीरो लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर से गिन लेता हूं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहां पे देखा जाए, इकाई दुहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब भाई, 1 अरब 50 करोड़, हाँ $50 करोड़ होते हैं, 1 अरब 50 करोड़ होते हैं। तो साथियों ये अमाउंट दिखा के किसी भी लीडर को गुमराह किया जा सकता है, आसान है ये अमाउंट दिखा के। भाई फोर्सेज मिस्टर से अमाउंट दिखने को कहां मिलता है, फोर्सेज मिस्टर से अमाउंट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन मिलता है यही अमाउंट, इससे भी बेहतर प्रॉफिट फोर्सेज में, वो आपको समझना पड़ेगा। चलिए मैं उसको बाद में समझाऊंगा, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। यहां पे आपको अमाउंट दिख रहा है और यहां पे आपका टीम दिख रहा है, भैया इसके बाद क्या टीम कहां चला जाएंगे, इसके बाद टीम वर्क करेगा या नहीं करेगा, अगर आपने अगर कर भी लेते तो टीम वर्क करेगा नहीं करेगा। तो भैया ये भी तो बता दिया कीजिए कि यहां पर जो आपका टीम बना हुआ है, ये टीम कितने का बना है, गिनती कर लीजिएगा, मुझे नहीं पता। अगर ये बंदा 10-10 लोगों को भी लाता है, जब ऊपर में भाई 10-10 लेकर आ रहे तो भाई नीचे में कहां जाएंगे, नीचे वाले भी तो 10-10 लाएंगे। तो भैया यहां पे अगर 10-10 लोग लेकर आते हैं तो इसको कर लीजिए ऐसे, एक मतलब 2 जीरो ले लेता हूं, उसके बाद फिर लकीर, फिर मैं इधर 2 जीरो ले लेता हूं, फिर लकीर, फिर 2 जीरो, फिर लकीर, 3 जीरो, इकाई दोहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब भाई, 10 अरब लोग जो आएंगे उसके बाद उसमें क्या मिलेंगे आपको, जरा सोच के देखिए साथियों। इसके बाद आपको यहां पे 10 अरब लोग होने के बाद भी 1 रुपया नहीं मिलेंगे इस सिस्टम से, 1 रुपया भी नहीं मिलेंगे। तो ये है साथियों MGC कॉइन का प्लान। अब हम चलते हैं फोर्सेज को देखते हैं।
और इससे तुलना करते हैं। तो पहला क्या कहा गया है साथियों, एमजीसी कॉइन वाले, एमजीसी कॉइन वाले कह रहा है भैया अगर 10 लोगों को आप अपने साथ में लेकर आते हैं तो बहुत बड़ा प्रॉफिट यहां से अचीव कर सकते हैं, यहां से आपको जनरेट कर सकते हैं। बहुत अच्छी वाली बात है। चलो भाई $150 से हम फोर्सेज को भी ज्वाइनिंग कर लेते हैं और 10 लोगों का टारगेट हम भी पकड़ लेते हैं। ओके, 10 लोगों का टारगेट पकड़ लेते हैं फोर्सेज में। चलिए भैया मैंने फोर्सेज में मैंने यहाँ पे X3 का $5 का स्लॉट है भाई, दूसरा $10 का स्लॉट है, तीसरा $20 का स्लॉट है और चौथा कितने का है तो $40 का स्लॉट है। मैं चार स्लॉट, आपको पता होगा X3 का भी और X4 का भी सेम स्लॉट है, X4 का भी सेम स्लॉट है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो $5 X4 में और $5, $10, $20 और $40, ठीक है, दोनों को देखिएगा तो भैया $150 होते हैं। अब मैं $150 से फोर्सेज को स्टार्ट कर लेता हूं। अब यहाँ पे $150 से हम ज्वाइनिंग कर लेते हैं फोर्सेज को और यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं आखिर हमें फोर्सेज में क्या मिलने वाला है और 10 लोगों को ज्वाइनिंग करवाना है आपको भी फोर्सेज में, ठीक है। तो X3 प्रोग्राम, चलिए मैंने X3 प्रोग्राम में कितना लगा दिया तो $75 मैंने X3 में लगा दिया। तो भैया X3 में आपको पता होगा कि आपने अगर यहाँ पे लगाए X3 के अंदर $75, भैया आपको 3 गोले दिखेंगे। चले मैं आपको 3 गोले में आपको बना देता हूं आराम से, कोई टेंशन नहीं है। आप सबको पता होगा X3 में 3 गोले होते हैं। अब इसी तरह साथियों X4 प्रोग्राम को हम ले लेते हैं तो X4 प्रोग्राम में भी मैंने क्या किया $75 अपना लगा दिया और यहां पे भैया इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनता है। चलिए यहां पे हम X4 को ले लेते हैं, X4 को ले लिए। अब यहां पे हम क्या करते हैं 10 लोगों को ज्वाइनिंग करवाते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि X3 में पहले लोगों से 100% दूसरे बंदे को ज्वाइनिंग करवाएंगे और तीसरे को ज्वाइनिंग करवाएंगे, भाई मुझे 10 के 10 लोगों को ज्वाइनिंग करवाना है, चौथे को यहां करेंगे, पांचवें को यहां करेंगे, छठे को यहां करेंगे, फिर सातवें को यहां करेंगे, आठवें को यहां करेंगे, नौवें को यहां करेंगे, दसवां को यहां करेंगे। तो 10 लोगों को मैंने ज्वाइनिंग करवा दिया। आप सबको पता होगा पहले बंदे से हमें जो पैसा मिलता है साथियों स्लॉट का 100% मिलता है, दूसरे से हमें 100% मिलता है और तीसरा आपका स्लॉट रिसाइकल हो जाता है और ये अमाउंट आपके अपलाइन को चला जाता है, ठीक है। तो भाई अपलाइन को जब जाता है तो ये तो मेरा 3 का 3 लीटर का पैसा मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको ये 3 लोगों का पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन मिलेगा कितने लोगों का पैसा तो यहाँ पे देखा जाए तो 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया 6 हो गया 7 हो गया। तो भैया 7 लोगों से मुझे अमाउंट मिला कितना 100%, $75 बराबर गुना कर लीजिएगा आपको पता चल जाएगा तो कितना हो जाता है तो $525। यहाँ पे आपको 10 लोगों को ज्वाइनिंग करवाने से X3 के अंदर $525 आ गया भैया। ये अभी X3, अब देखते हैं X4 प्रोग्राम में भी यहाँ पे वही बंदा जिनको हमने X3 प्रोग्राम दिए उनको हम X4 प्रोग्राम देते हैं तो पहला लीडर मेरा यहाँ पे आके बैठ जाएंगे, दूसरा यहाँ पे बैठ जाएंगे आके, तीसरा यहाँ पे आके बैठ जाएंगे और चौथा यहाँ आ जाएंगे, पांचवा यहाँ आ जाएंगे, छठा यहाँ आ जाएंगे, फिर सातवा यहाँ आ जाएंगे और आठवां यहां आ जाएंगे और नौवां यहां आ जाएंगे और दसवां यहां आ जाएंगे, कोई बात नहीं। अब सिस्टम कहता है आपको कि पहला और लाइन का जो बंदा है इससे आपको पैसा नहीं मिलेगा और यहां से आपको मिलेगा 3 गोले से 100%। तो भैया कोई बात नहीं, तो इस 3 गोले में कितने लोग आए हैं मेरा, मैं सिर्फ डायरेक्ट पार्टनर की मैं बात कर रहा हूं, 3 गोले में कितने लोग आए भैया, तो 3 गोले में कितने लोग आए, 2, 2, 4, 1, 5 भैया 5 लोगों ने आया और यहाँ पे अमाउंट कितना रिसीव होता है 100%। तो भैया स्लॉट का वैल्यू कितना है $75। अब बराबर कर लीजिए इसको कितना होता है तो $375 होता है इसका अमाउंट,
ठीक है 375 अब प्लस यहाँ 500 है तो 500 में जोड़ दीजिए कितना को 375 अब गुना जोड़ लीजिए 5 × 10 7 × 14 15 5 × 3 = 8 सॉरी साथियों मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया था ऊपर में यहाँ पे आपका होता $525 ठीक है तो चलिए इसको हम सही से जोड़ लेते हैं 5 × 10 7 × 9 = 10 5 × 3 = 8 = 9 तो $900 यहाँ पे आपका प्रॉफिट हुआ सिर्फ पार्टनर से मैंने 10 लोगों को ज्वाइनिंग करवाया तो $900 प्रॉफिट हुआ और यहाँ पे कितना हुआ था $750 तो साथियों यहाँ पे मेरा $900 प्रॉफिट हुआ और MGC कॉइन में कितना हुआ था पार्टनर से 10 लोगों को लाने से कितना हुआ था $750। अब आप डिसीजन लीजिए साथियों कि प्रॉफिट किस में ज्यादा है फोर्सेज में या MGC कॉइन के अंदर। MGC कॉइन के अंदर $750 कमाते आपको वही 10 लोगों को लाना है सेम अमाउंट से ज्वाइनिंग करवाना है और यहां पर आपको सेम अमाउंट से ज्वाइनिंग करवाना है फोर्सेज के अंदर। और अगर डायरेक्ट पार्टनर्स की बात करें तो भी मुझे $900 का प्रॉफिट होता है। अब सवाल आता है कि सर फोर्सेज में तो सर पैसा कमाओ और स्लॉट बढ़ाओ। यहाँ पे स्लॉट बढ़ाने की बात जैसे हो गया तो यहाँ पर भी आपको स्लॉट बढ़ाना है। इसके आगे स्लॉट जो बढ़ाना है आपको $200 लगाना पड़ेगा। अगर $750 में मैं $200 घटा देता हूँ तो प्रॉफिट आपका बचता है $550। अगर फोर्सेज की बात किया जाए तो फोर्सेज में अगला स्लॉट पांचवें लेवल का जो है $80 का है X3 का और X4 का 8 × 2 = 16 $160 होता है। आप माइनस कर तो माइनस करके आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए कितना प्रॉफिट हुआ था $750। अगर अगला लेवल हमको बाय करना है तो $200 माइनस कर देना है। $200 माइनस कर दीजिएगा तो कितना बचेगा तो भैया $550 बचेगा। फोर्सेज में अगर देखा जाए तो अगला लेवल कितना है तो भैया $80 का मुझे लेना है। पांचवें स्लॉट का $80 और X4 का भी $80 $160 होता है। चलिए $160 को माइनस कर देता हूं तो बचता है कितना है $740 फिर भी मेरा और यहाँ का MGC कॉइन में देख लीजिए अंतर। चलिए ये तो हो गया आपकी सोचेंगे साथियों आप सोचते होंगे सर आपने जो बताया ना ये तो सर आपने डायरेक्ट पार्टनर किए तो प्रॉफिट हुआ सर इनडायरेक्ट से कहाँ प्रॉफिट होता है मेरे भाई। तो आप टेंशन मत लीजिए आज यहाँ पे इनडायरेक्ट जो हम सेकंड लेवल की अगर बात करें यहाँ पे $3000 दिख रहा है ना तो चलिए इनको भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए हम इसको क्या करते हैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ मैं पहला लेवल की और इसका भी मैं प्रॉफिट आप क्लियर हो गए होंगे कि पहला डायरेक्ट पार्टनर से अगर आप करते हैं वर्क तो आपको क्या प्रॉफिट होने वाला है और अपलाइन को क्या प्रॉफिट होने वाला सारा चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया। और उम्मीद करता हूं कि आप पहला जो आपका यहां पे लेवल है पार्टनर के तो यहां से आप क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब मैं लेके चलता हूं साथ मान लेते हैं मैंने राम को ज्वाइनिंग करवाया। किसको ज्वाइनिंग करवाया राम को मैंने ज्वाइनिंग करवाया। अब राम क्या कर रहा है अपने साथ जैसे कि यहाँ पे ये लीडर ज्वाइनिंग किया 10 और 10 ने 10 लोगों को लाया तो भैया जब वहां पे आप 10 लोगों को ला रहे हो तो भाई फोर्सेज में क्यों पीछे हो फोर्सेज में भी आपको लाना पड़ेगा 10 लोगों को ठीक है। तो 10 लोगों को हम लाते हैं तो भैया पहला बंदा को हम लेके आते हैं पहला बंदा ने क्या किया 10 लोगों को ज्वाइनिंग करवाया। भैया एक लोगों को ज्वाइनिंग करवाया दूसरे को ज्वाइनिंग करवाया तीसरे को ज्वाइनिंग करवाया चौथे को ज्वाइनिंग करवाया पांचवें को ज्वाइनिंग करवाया छठे को ज्वाइनिंग करवाया सातवें को ज्वाइनिंग करवाया आठवें को ज्वाइनिंग करवाया नवे को ज्वाइनिंग करवाया और 10 लोगों को ज्वाइनिंग करवा दिया 10वां को। टेंशन नहीं लीजिएगा साथियों आप बने रहिए मेरे साथ मैं आपको एक एक चीज मैं क्लियर करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा कोई बात नहीं आप समय दीजिए। अब मैंने 10 लोगों को ज्वाइनिंग करवा दिया मेरे जिस पार्टनर को मैंने करवाया था ज्वाइनिंग उन्होंने 10 लोगों को ज्वाइनिंग करवाया तो साथियों आपको पता होगा ये दो गोला जो है ना ये भैया इसका है मतलब जो बंदा काम कर रहा है ना जिन्होंने 10 लोगों को लाया ना वो बंदे का यहाँ पे ये दोनों गोला है मतलब भैया ये दोनों ये जो है ना यहां से यहां तक ये प्रॉफिट इसको हो जाएगा मतलब 7 लोगों से प्रॉफिट इस बंदे को जाएगा जिसने लाया जिसने काम किया। लेकिन यहाँ पे 3 बार जो रिसाइकल हुआ है ना ये 3 बार रिसाइकल हुआ भैया वो कहाँ जाएंगे
आपको भी पता है फोर्सेज में अगर आप वर्क किए हैं, अगर नहीं किए तो कोई बात ही नहीं है। तो साथियों यहाँ पे आपको तीन लोगों से, ये जो तीन लोग दिख रहे हैं ना, तीन बार रिसाइकल हुआ तो इससे मुझे तीन लोगों का पैसा मेरे पास आने वाला। ये तीनों बंदे का पैसा अपलाइन को आता है, और अपलाइन कौन है? तो भैया आप हैं अपलाइन, ठीक है। आपको तीन बंदे से पैसा मिला कितना? $75 करके। अब 15 + 45 = 22 $222 एक लोगों से आपको कमीशन आता है। आपका पार्टनर कितना है? 10 लोग हैं, तो 10 इसमें गुना कर दीजिएगा 225, अब गुना 10 कीजिएगा, क्योंकि भैया एक बंदे ने आपको इतना कमा के दिया, 10 लोग ने आपको कमा के कितना देने वाले हैं, तो पता चलेगा आपको $2,250 X3 प्रोग्राम से आपको मिला। और यहाँ पे कितने मिले थे? $3,000। अब कहेंगे सर अभी भी तो सर कम है, तो कोई बात नहीं मेरे दोस्त, यहाँ पे 10 लोगों का पूरा पैसा लगा था, लेकिन यहाँ पे कितना लग रहा है? $75। अभी X4 बाकी है, X4 का इनकम इसमें जुटना बाकी है। चलिए X4 को हम देख लेते हैं। अब राम यहाँ पे X4 के अंदर भी 10 लोगों को ज्वाइनिंग करवाता है, तो एक लोग यहाँ आ जाएंगे, दूसरा यहाँ आ जाएंगे, तीसरा यहाँ आ जाएंगे, चौथा यहाँ आ जाएंगे, पांचवा यहाँ आ जाएंगे, छठे यहाँ आ जाएंगे, फिर से सातवां यहाँ आ जाएंगे, और आठवां यहाँ आ जाएंगे, नौवा बंदा फिर यहाँ से आ जाएंगे, और दसवां यहाँ से आ जाएंगे। X4 कहता है आपको कि भैया ऊपर का जो ये लाइन है ना, ये लाइन आपको नहीं बल्कि ये आपके अप लाइन, अप लाइन क्रॉस लाइन में इनकम जाएंगे, मगर आपको क्या मिलेंगे? तीन गोले का मिलेगा। कोई बात नहीं, तीन गोले का इनकम इस आईडी को मिल जाएगा, लेकिन ये दो गोले का इनकम और ये इनकम अप लाइन क्रॉस लाइन में जाता है, ठीक है, अप लाइन और क्रॉस लाइन में जाता है। तो यहां पे आप ध्यान से देखिएगा कि यहां पे कितना हो गया, दो यहां पे हो गया, दो यहां पे हो गया, चार हो गया, यहां पे एक हो गया, पांच आईडी है, पांच लोगों का कमीशन अपलाइन या क्रॉस लाइन में जा सकते हैं। चलो भाई कोई बात नहीं, क्रॉस लाइन, क्रॉस लाइन में भी जाएगा, तो चलो पांच नहीं, पांच आते हैं तो भाई क्रॉस लाइन को हम दो दे देते हैं, कितना बच गया? तीन आईडी बच गया, तीन का मुझे अमाउंट कितना मिलने वाला है? $75। बराबर कितना हो जाएंगे भैया? ऊपर देख लीजिएगा $225, $225 यहां पर मुझे फिर मिलने वाला है। एक बंदे ने 10 लोगों को ज्वाइनिंग करवाया और 10 में से बाकी उन लोगों को मिल गया, और मुझे कितना मिला? मैं तीन पांच आने वाला था। आने वाला पांच था, लेकिन मैं दो आईडी को हमेशा रखता हूं। कोई बात नहीं भाई, क्रॉस लाइन में चले जाए, मेरे डाउनलाइन में चले जाए, और किसी को चला जाए, मेरे अपलाइन में चले जाए, कोई दिक्कत नहीं, तीन आईडी मुझे आ जाए। तो $225 एक लीडर ने मुझे कमा के दिया, और हमने 10 लोगों की बात की है, तो भैया इसको 10 से गुना कर दीजिए ना, 225 और गुना 10 कर दीजिए, कितना हो गया? $2,250 भाई, $2,050 यहां इसमें प्लस कर दीजिए, $2,050 कितना हो जाते हैं? इसको कर लीजिएगा 5 × 4 = 45। अब साथियों यहां पे आप कैलकुलेशन देख लेना सेकंड लाइन की। सेकंड लाइन अगर आपने 10-10 कंप्लीट करवा देते हैं, जैसे मैंने यहां पे कंप्लीट किया, 10 लोगों के पार्टनर काम करने से $750.5, और वो बंदा अगर 10-10 लोगों को लेकर आता है, तो भैया आपका इनकम होता है यहां पे $3,000। लेकिन अगर फोर्सेज में आपने जिस 10 लोगों को ज्वाइनिंग करवाए हैं, अगर वही लीडर आपका 10-10 लोगों को ले आता है, तो भैया यहां पे आपका $4,500 का इनकम होने वाला है। अब आप सोचिए MGC कॉइन आपके लिए बेहतर है या फिर फोर्सेज, भैया सोच समझ के कमेंट कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो ये आपको लगे कि नहीं एकदम उदय जी सही बता रहे हैं, MGC कॉइन के मुंह पे जूता मार रहे हैं, तो भैया आप मेरे वीडियो के अंदर कमेंट करके जरूर मेरा हौसला को बुलंद कीजिएगा।
बाकी साथियों अगर आप चाहते हैं कि नहीं पूरे का पूरे लेवल, ये जो नो का नो लेवल है ना, इसको भी कैलकुलेशन करके मैं दिखाऊं, तो भैया कमेंट कीजिए, हम आपको कैलकुलेशन करके दिखाने के लिए तैयार हैं कि एमजीसी कॉइन को किसी भी हालात में मुंह तोड़ जवाब देने के लिए फोर्सेस का एक एक लीडर तैयार है। साथियों मैं इतना ही नहीं कहूंगा, मैं आपको एक राज की मैं बात बताता हूं। आप कई लीडर जैसे विजय प्रकाश सर और उनके टीम के डायरेक्ट पार्टनर जो है अभिषेक जी क्या कह रहे हैं मैं आपको बताता हूं। अभिषेक जी कहते हैं, फोर्सेज में किसी को कराते हैं $10 से भी ज्वाइनिंग कराते हैं, हम बदले में उसको कुछ देते हैं नहीं, बस लेवल खोल देते हैं, स्लॉट दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे फोर्सेज में जी नहीं देते हैं। हाँ नहीं देते हम लोग, लेकिन यहाँ पे अगर हम किसी का करेंगे तो उसको $50 का एमजीसी कॉइन, ये 50 एमजीसी कॉइन मतलब $50 का एमजीसी कॉइन उसको गिफ्ट में मिल जाएगा। अच्छा ये भी है। अब मान लेते हैं आपको हमने आपने $100 से ज्वाइनिंग डाला, अब $50 का एमजीसी कॉइन आपको हम वॉलेट में क्रेडिट कर दिए, अब उसको आपने स्टेकिंग में भी डाल दिया तो एक साल बाद आपका $100 हो जाता है। $100 का अगर हम 5% इंक्रीज हमको सर $50 सर उसका अपना फंड है, उतना जो है ना वो रिवार्ड फंड में रखा हुआ है। अच्छा उतना कि सर आप यहाँ पे अगर $150 लगाते हैं, $150 लगाते हैं तो आपको $50 का जो है ना आपको रिवार्ड मिल जाता है कैश बैक के रूप में। फोर्सेज में सर ज्वाइनिंग करने से आपको कुछ नहीं मिलता है। साथियों सही बात है कि फोर्सेज में अगर आप आईडी $150 से लगाते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलता है, आपको एक मौका मिलता है 100% कमाने का, और आपको डिजिटली रूप में आपको एक स्लॉट मिल जाते हैं। आपको $150 लगाएंगे तो X3 के अंदर 4 स्लॉट, X4 के अंदर 4 स्लॉट मिल जाते हैं, जिसमें आप अपने अमाउंट से यानी कि $150 से किसी भी बंदे को ज्वाइनिंग करवा के X3 के अंदर पहले बंदे से आप $75, दूसरे से $75 और तीसरे बंदे से आपके अपलाइन को चले जाएंगे। मगर अगर सिस्टम के अनुसार देखिएगा X4 से आपको आ जाते हैं $75। तो साथियों यहाँ पे आपको ये मौका मिलता है पैसा कमाने का, लेकिन यहाँ पे बिना कुछ किए आपने ज्वाइनिंग किया और ये सिस्टम आपको $50 का कैशबैक दे रहा है। साथियों मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना चाहूंगा, मैं अब फोर्सेज को इस जगह से खत्म कर देता हूं कहानी। अब मैं एमजीसी कॉइन का थोड़ा सा भीतर जाके आपको बताता हूं इसकी राज की बात। साथियों आप जो है ना एक चीज का अगर समझ जाइएगा ना, जिंदगी में कभी भी आप फोर्सेज को छोड़ने की बात नहीं कर पाएंगे और फोर्सेज का कोई भी लीडर फोर्सेज का बुराई नहीं कर पाएगा आपके सामने। साथियों मैं बात करता हूं, कोई भी कंपनी कोई भी सिस्टम अगर 100% बांट रही है, मतलब आपने $150 से ज्वाइनिंग किया और ये $150 आपके टीम में बांट दिया, तो वो $50 कहां से दिया? सोचने वाली बात है साथियों, वो $50 आपको कहां से दिया? मतलब मेरा कहने का है साथियों, अगर आप 10 लोगों को ज्वाइनिंग करवाते हैं $150 से, उसने आपको उसका जितना भी अमाउंट से जुड़ा वो सब का सब बट गया, आपके ऊपर भी अपलाइन है जो भी है 1%, 2%, 3%, 4%, 5% करके 10%, 20% सबको बट दिया, जब साथियों लीडर बांट ही दिया सिस्टम ने, तो फिर ये $50 आपको कहां से दे दिया? जरा दिमाग की घंटी को बजाइएगा और सोचिएगा। अब देखिए अगर यहां पर हमने 10 लोगों को लाए डायरेक्ट पार्टनर में और उसको कितना मिलेगा? $50 मिलेगा एक लीडर को, भाई 10 लीडर है कितना हो गया? $500। भाई ये $500 कहां से दे रहा है? अगर यहां पे 100 लोग आया तो भैया 100 लोगों को $50 मिलेगा। अब देखिए 100 लोगों को $50 मिलेगा, कितना हो गया रिवार्ड? इतना रिवार्ड मिलेगा, $5,000 रिवार्ड कहां से देगा भाई? जितना आपका कमीशन नहीं बन रहा है उनसे ज्यादा लीडर को रिवार्ड कहां से दे रही है? अब यहां पे 1,000 लोग है, 1,000 लोगों को मिलेगा $50। कितना हो जाएंगे? $50,000 रिवार्ड कहां से देगा भाई? कंपनी बिक जाएगी अगर ये बता रही है ना कोई भी। अब चौथे लेवल पे देखिए 10,000 लोग हैं, 10,000 लोगों को अगर $50 करके रिवार्ड मिलेगा $500,000 हो जाते हैं साथियों। चौथे लेवल पे 10,000 लोगों को अगर $50 देगा भाई $500,000 कहां से आएंगे? इसी तरह साथियों यहां पर देखिए कितना है, तो पहले हम 0 दे देता हूं, 3, 4, 5,
पांचवे लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 50 है और इसको मिलेंगे $50 प्रत्येक लोगों को। भाई ये रिवार्ड कहाँ से आएंगे सिस्टम को? छठे लेवल पे बात कर रहा है, सातवें लेवल पे बात कर रहा है, आठवें लेवल बात कर, नब्बे लेवल की बात कर भाई, नब्बे लेवल में आप देख लो ना, यहाँ पे सिर्फ इसको हटा के यहाँ पे 50 दे दो, इतना डॉलर कहां से आएगा? ये हम लोगों को मूर्ख बना रहा है भाई, सिंपल सी मैं बात बोलू ना, ये मूर्ख बना रहे हैं। अब पता नहीं, मुझे लगता है साथियों इतने बेहतर लीडर जो कि हमारे ग्लोबल टीम के फाउंडर, अब साथियों मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इतने बड़े लीडर, इतने बेहतर लीडर राजेंद्र सर और साथ ही साथ हमारे विजय प्रकाश जी जो कि काफी अच्छे बोर्ड प्लान देते थे साथियों, हम लोग उनका फ्रेंड थे, उनको हम भगवान मानते थे, पता नहीं चला वो कब शैतान बन गए। मेरे दोस्त यहाँ पे आप देखो, हम लोगों को भी पता है इतना का जो है ना, इतना जो डॉलर आपको दिख रहा है ना नीचे वाले, भाई नीचे वाले अमाउंट को देख लो कितना होता है, इकाई दुहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ अरब खरब, भाई 50 खरब। $50 खरब उस एमजीसी कॉइन का औकात भी है क्या? वो देखा भी है जो अगर इतना टीम बन गया लीडर का, भाई इतना डॉलर वो रिवार्ड देंगे, कमीशन तो गोली मारिए, कमीशन को जाए बाहर में, फिर भी साथियों यहाँ पे देखा जाए इतना बड़ा लालच है, लोभ भरा हुआ है। साथियों आप विश्वास करें या ना करें वो मेरी आपकी मर्जी है साथियों, मेरा काम था साथियों आपको अवेयर करना, आपको सावधान करना, क्योंकि साथियों एमजीसी कॉइन वाले लीडर बहुत सारे अब आपके पीछे लगे हुए, आपके टीम के पीछे लगे हुए, उनको बचाना आपका काम है। दूसरी बात साथियों, आप सोच रहे होंगे सर इतना बड़ा लीडर राजेंद्र सर या फिर हम बोले विजय प्रकाश सर, साथियों ऑलरेडी उन्होंने फोर्सेज के अंदर काफी ज्यादा कमा चुका है। दरअसल होता क्या है साथियों, मैं आपको बताता हूं ऐसे लीडर करते क्या है। सभी लीडर को पता है भाई फोर्सेज के अंदर अगर आप आईडी लगाए ना, आप 100% सुरक्षित हैं, आप 100% सुरक्षित हैं, आप चाहे दोगलापनी करो या चुतियापनी करो, आपकी आईडी को यहाँ पे बैन नहीं किया जा सकता, आपकी आईडी को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता और आपकी अमाउंट को यानी कि आपका जो कमीशन बनता है उसको बंद नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता। सभी को पता है ऐसे मिथिले सर भी थे, शशि शर्मा भी है जिन्होंने के फोर्सेज को छोड़ के मेटा फोर्स में गए, उनका हाल देख लीजिए ना साथियों। वो लीडर क्या करते हैं, उनको करोड़ों कमा लिए हैं, उनको अब टीम से कोई मतलब नहीं, नीचे वाले कमाए ना कमाए कोई मतलब नहीं है, अब वो क्या करेंगे नए सिस्टम की ओर मूव करता है। नए सिस्टम में क्या होता है, आप के लीडर को नीचे से नीचे लीडर को कॉल करते हैं, फोन करते हैं, हेलो मेरे भाई समझो ये बात को, जब आप काम कर रहे होंगे उस वक्त आपके पास कॉल नहीं आता होगा, लेकिन अभी कॉल जा रहा है। क्यों जा रहा है कॉल? क्योंकि वो आपको बुर्बक बनाना चाहता है भाई। गन्ना का आप देखें, गन्ना को देखे होंगे, उसकी रस को निकाल के है ना छोड़ दिया जाता है, सेम उसी तरह से हमारे और आपके साथ भी होने वाला है। अगर आप एमजीसी कॉइन की तरफ गए तो भैया आपका रस चूस लेगा और आपको फेंक देगा गटर में। तो साथियों ये वीडियो आपके लिए कितना नॉलेजेबल रहा, और ये वीडियो क्या आपको अपने टीम के साथ शेयर करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो अभी देर मत कीजिए, इस वीडियो को अपने टीम में जरूर शेयर कर दीजिए ताकि आपका भी लीडर एमजीसी कॉइन्स के स्कैम के, एमजीसी कॉइन के लीडर के महाजाल जो भी चल रहा है, एक ग्रुप बना के विजय प्रकाश सर जो मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों को कॉल कर रहे हैं, उनसे बच पाए। कहीं हो सकता है आपके लीडर के पास भी कॉल गए होंगे। तो साथियों अपने लीडर को बचाना आपका काम है, पैसा कमाएंगे साथियों तब जब हमारे पास हमारा टीम एक जगह स्थिर होके मेहनत करेंगे। तो चलिए साथियों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय फोर्सेज।